गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सीख पाएंगे? टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, ये चैप्टर एक स्टोरी है, उसको आप समझ पाएंगे। टू बी एबल टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन रेलवे टिकट, आप रेलवे टिकट में दी गई जानकारी जैसे ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी, डिस्टेंस कवर्ड, ये सब जान पाएंगे। ओके, टू फाइंड आउट अदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेलवे टिकट, इनके अलावा और भी क्या जानकारियाँ होती हैं वो आप पता लगा पाएंगे। टू इम्प्रूव लाइफ स्किल्स, इससे आपकी लाइफ स्किल्स बढ़ेंगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जान पाएंगे और उनमें कैसे ट्रैवल किया जाता है, उसके लिए क्या क्या प्लानिंग की जाती है आप समझ पाएंगे। इंटीग्रेशन विद मैथमेटिक्स बाय डिस्कसिंग द टाइम, और इस चैप्टर में काफ़ी सारा आपको टाइम से रिलेटेड भी कैलकुलेशंस करनी है, तो इसका हम मैथमेटिक्स के साथ कनेक्शन भी डिस्कस कर पाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमाइंड द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, जो हमने पहले पढ़ा है वो रिमाइंड कर लेते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ये चैप्टर ओमना की जर्नी से रिलेटेड है और वो जा रही है गुजरात से अपनी दादी के घर केरला। शी इज़ गोइंग फ्रॉम गुजरात टू केरला, शी इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम गुजरात टू केरला। ओके, तो दिस इज़ द रूट फ्रॉम वेयर शी इज़ ट्रेवलिंग। शी स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात, यू नो हियर गुजरात इज सिचुएटेड ऑन द मैप ऑफ इंडिया। शी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम गुजरात, देन शी एंटर्ड इन महाराष्ट्र। ओके, एंड देन थ्रू गोवा शी एंटर्ड इन कर्नाटका एंड देन शी रीच्ड केरला। ओके, नाउ शी रीच्ड एट कोट्टायम स्टेट, सॉरी स्टेशन, कोट्टायम स्टेशन, एंड नाउ शी इज़ गोइंग टू हर वलियम्मास हाउस। वलियम्मा मीन्स सिस्टर, मदर्स सिस्टर, जिनको हम मौसी कहते हैं, तो उनके घर जा रही हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द डेट on which Omna reached Kottayam, it is 17th May and it is 11:30 at night. Okay, raat ho chuki hai, 11:30 ho chuka hai. So after a long train journey we reached Kottayam in the night. Valiamma's house was not far from the station. So here is the map of Kerala. Where is Kottayam? Here it is. यहाँ ओमना पहुँच गई है और अब उन्होंने क्या किया, वलियम्मा के घर जाने के लिए they had to take two auto rickshaws to get there. By then I was very sleepy. तो उसको बहुत नींद आ रही थी क्योंकि वो दो दिन से ट्रैवलिंग कर रही थी and did not even wait to eat anything, और वो कुछ खाने का भी इंतज़ार नहीं कर सकती थी। I took a bath and slept. उसने नहाया और वो सो गई। I thought I had just fallen asleep when Amma woke me up again. उसको लगा था अरे अभी तो मैं सोई थी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको फिर से जगा दिया। We got ready, वो सब तैयार हुए, took our luggage and went to the bus station. और फिर उन्होंने अपना सामान लिया और वो बस स्टेशन की ओर चल पड़े। वलियम्मास फैमिली आल्सो केम विद अस, वी वर 10 पीपल, वो टोटल 10 लोग थे और उनके पास बहुत सारा सामान भी था। ओके, तो व्हाट हैपन नेक्स्ट, लेट अस सी। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स। अब आपको पता है बस स्टेशन में बैठकर, बस स्टेशन में जाकर वो बस में बैठ गए और फिर कंडक्टर उनका टिकट लेने
आया, तो उसके पापा ने टिकट ले लिया। ओके, द बस वॉज वेरी क्राउडेड, बस में बहुत भीड़ थी। वी शेयर द सीट्स, और उन्होंने सीट्स शेयर करके बैठे, यानी कि एक एक पूरी सीट में नहीं बैठे, थोड़ी थोड़ी सीट पे बहुत सारे लोग बैठे। जब दो की जगह पर तीन लोग बैठ जाते हैं तो इसे कहते हैं शेयरिंग ऑफ द सीट्स। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच्ड द लास्ट स्टॉप, अब लास्ट में जहाँ पर बस का लास्ट स्टॉप था वहाँ बस पहुँच गई। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, मुझे लगा कि वाह अब मज़ा आएगा, अब मैं नीचे उतर जाऊँगी। क्यों? क्योंकि माई लेग्स वर स्टिफ, उसके पैर जकड़ गए थे। I could hardly stand, और वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। I thought that we had finally reached Amumma's village, और अमुम्मा means नानी, ठीक है, और उमना को लगा कि वो अब अपनी नानी के घर पहुंच गई है। But no, our travel had not ended yet. The bus had dropped us by the water side, और बस ने उन्हें पानी के किनारे छोड़ दिया था। Look, अम्मा पॉइंटेड क्रॉस द रिवर वाटर, दैट इज वेयर वी हैव टू गो, अम्मा ने दूर इशारा किया पानी के पार कि हमें वहाँ जाना है। तो अब मुझे लगा कि अरे अब हम कैसे जाएंगे। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग, तभी उन्होंने देखा कि दूर से क्या आ रही है, एक बोट आ रही है, दैट इज फेरी, वो क्या थी, फेरी, FERRY, फेरी। अम्मा सेट इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, अम्मा ने कहा देखो वो उस फेरी में हम जाएंगे, अचानक से उस फेरी से बहुत सारी भीड़ उतरने लगी। कौन कौन थे उस भीड़ में, देयर वर स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज, और सबके पास अपना अपना सामान था और वो उतर रहे थे। अम्मा एक्सप्लेन्ड दैट द फेरी वॉज यूज बाय द पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड, ये फेरी है जिसको कि लोग यहाँ पर वाटर से जाने के लिए और अपने सामान को ले जाने के लिए और दूसरी साइड जाने के लिए यूज करते हैं। एज सून एज द फेरी गॉट एम्प्टी द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड, और जैसे ही फेरी से सारी भीड़ उतर गई अब उनकी साइड से सारी भीड़ जाना शुरू हो गई। एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, और उसमें जाने से पहले हर किसी को किराया देना था, फेयर मीन्स टिकट लेना था और पैसे देने थे, ठीक है, ऐसे ही नहीं चढ़ सकता था कोई, उसमें उनके टिकट लेना था। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, और जल्दी ही वो भर गई और स्टार्ट हो गई, जाने के लिए शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, आई मैनेज टू गेट अ प्लेस स्टैंड अलोंग द रेलिंग, और उसने साइड में रेलिंग के साइड में एक जगह देखने के लिए फिक्स कर ली। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव, और वहाँ से उसने देखा कि पानी को घूमते हुए, जहाँ जहाँ पर फेरी जा रही है वहाँ से घूमता हुआ पानी निकल रहा है। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, देयर वॉज रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। एज वी मूव्ड स्विफ्टली आई कुड सी पीपल वर फिशिंग, वॉशिंग, बेदिंग एंड वॉकिंग अलोंग द बैंक्स, और जैसे क्या क्या देखा उसने फेरी से कि रिवर बैंक पे लोग फिशिंग कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं और भी अपने सारे काम कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, जस्ट बिफोर द सन डिसअपीयर इनटू द वाटर, अब देखिए सनसेट का सीन हो रहा है लेकिन सनसेट के होने से पहले ही क्या हो गया, वो फेरी एक आइलैंड पे पहुंच गई। आइलैंड क्या होता है, एक ऐसा लैंड का पार्ट जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसको कहते हैं हम आइलैंड, और वो फेरी वहाँ पर पहुँच गई और रुक गई। दैट वॉज द टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, और यही टाइम था कि जब हम पहुँच गए थे और हमें उतरना था। एट लास्ट वी रीच्ड अमुम्मास प्लेस, और अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँच गए थे, अपनी नानी के घर के पास पहुँच गए थे, नानी के गांव पहुँच गए थे। वॉट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, और ये कितनी अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी, ओमना को इसमें बहुत मज़ा आया था। अब बच्चों आगे देखते हैं टिकट,
रेलवे टिकट। देखिए पहले ऐसा रेलवे टिकट मिलता था हमें, अभी तो आपके पास ऑनलाइन बुकिंग होती है, उसका कुछ अलग तरह का टिकट होता है। लेकिन पहले हमें रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर ये रिजर्वेशन कराना पड़ता था। तो ये ऐसा होता था, देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। इस टिकट को ऑब्जर्व करना है हमने ध्यान से, और फिर जो जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है वो हमें फिल करनी है। ओके, तो हम देखते हैं पहले। फर्स्ट वी हैव टू टेल द ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर यानी कि इस ट्रेन का नंबर क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन नंबर एंड इट इज रिटन हियर 9037। तो व्हाट इज द ट्रेन नंबर? 9037। द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, और किस डेट पर इस टिकट से हम जर्नी कर सकते हैं। बेटा हर एक टिकट का एक पर्टिकुलर डे होता है, उसी डे पर हम उस टिकट को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टिकट की डेट ऑफ जर्नी है दिस 24/12/2006, इस दिन के लिए ये टिकट बना हुआ है। द बर्थ एंड कोच नंबर, और किस बर्थ पर जाना है, किस कोच पर जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कोच ये लिखा हुआ है A1, एंड सीट एंड बर्थ 21, 22 एंड 23। ओके, तो ये भी हम यहाँ पर फिल कर देंगे। द फेयर, और इसका कॉस्ट क्या है। फेयर मीन्स द कॉस्ट ऑफ द टिकट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2578 ओनली। ये देखिए 2578 यानी कि 2578। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो इस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर में। देखिए डेट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, और किलोमीटर 643 किलोमीटर। दिस ट्रेन हैज कवर्ड 643 किलोमीटर। ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस टिकट से मिल रही है। देखिए PNR नंबर मिल रहा है, ठीक है, इसकी श्रेणी मिल रही है, क्लास मिल रहा है यानी कि ये 2 AC कोच है, सेकेंड AC कोच है, और इस जो ट्रैवल कर रहे हैं उनकी जानकारी मिल रही है, उनकी एज पता चल रही है हमें, 39, 37 और 7 ईयर्स के 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें से कि 2 एडल्ट हैं और 1 चाइल्ड है। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं। ये किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जा रही है, ये भी सब हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो होप कि आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है टाइम टेबल ऑफ द ट्रेन। टाइम टेबल क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रेन अपने टाइम से चले, पैसेंजर्स उस हिसाब से स्टेशन पर पहुँचें। ठीक है, तो इसलिए टाइम टेबल बनाया जाता है हर एक ट्रेन के लिए। तो ये ट्रेन है गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस, इसका टाइम टेबल है। और इसको हमने ऑब्जर्व करना है, उसका अराइवल टाइम यानी कि वो किस स्टेशन पर कितने बजे आएगी, वहाँ से कितने बजे जाएगी, और वो इस बीच कितने किलोमीटर चल चुकी है, यहाँ से पता चलेगा। और ये उसका कौन सा दिन है ट्रैवलिंग का, वो यहाँ से पता चलेगा। ओके, तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल स्टेशंस इन द टेबल दैट आर मेंशन इन ओमनास डायरी। तो हमें वो स्टेशन सर्कल करने हैं जो कि ओमना की डायरी में आपने पढ़े थे, इन 3 लेसन में जो भी आपने पढ़े थे। ठीक है, तो हमने गांधीधाम पढ़ा था, इसको हम सर्कल कर देंगे। अहमदाबाद नहीं पढ़ा था, वडोदरा भी नहीं पढ़ा था, सूरत नहीं पढ़ा था, वलसाद उन्होंने बोला था। ठीक है, वलसाद हमने पढ़ा था, मडगांव आया था उसकी डायरी में, उडीपी भी आया था, कोरीकोड भी आया था, त्रिचूर नहीं आया था, अर्नाकुलम टाउन नहीं आया था, कोट्टायम आया था, और त्रिवेंद्रम सेंट्रल और नागरकोल नहीं आया था। ठीक है, तो ये नहीं आए थे, बाकी वाले जिनमें मैंने टिक किया है वो सब आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट. अब देखिए कौन से स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है. सबसे पहला स्टेशन वही होगा जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, तो इट इज गांधीधाम. तो वी विल राइट हियर गांधीधाम. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन. अब कौन कौन से स्टेशन पर अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन कितने टाइम रुकी थी. देखिए अहमदाबाद यहाँ पर आ रहा है और इसका अराइवल टाइम है 11:30. अहमदाबाद स्टेशन पर ये 11:30 पर पहुँच रही है और 11:50 पर वहाँ पर से जा रही है. तो कितने टाइम हो गया, 11:30, 35, 40, 45, 50, यानी कि 20 मिनट्स. ओके, 20 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव. मडगांव स्टेशन में कौन से दिन पे वो ट्रेन पहुंच रही है. देखिए मडगांव कहाँ पर है, 7 नंबर पे मडगांव है और ये यहाँ से पता चलेगा हमें कि ये दूसरे दिन वहाँ पर पहुंच रही है. ठीक है, तो हम वहाँ पर लिख देंगे सेकेंड डे. ओके, नेक्स्ट इज सुनील एंड अन गॉट ऑफ कोझिकोड स्टेशन. ओमना गॉट ऑफ एट कोट्टायम स्टेशन. हाउ मैनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोट्टायम टू कोझिकोड कोरीकोड. तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि इट टेक्स 6 आवर्स टू रीच कोट्टायम फ्रॉम कोरीकोड. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 आवर्स, 6 घंटे में ट्रेन कोरीकोड से कोट्टायम पहुँच गई थी. वॉट इज द डिस्टेंस दैट ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट. तो पूरे रूट में ट्रेन कितना चली. देखिए लास्ट में किलोमीटर भी दिया हुआ है कि ट्रेन कितना चली. टोटल किलोमीटर्स आर 2,649 किलोमीटर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी किलोमीटर्स ओमना ट्रेवल्ड. ओमना कौन से स्टेशन पर उतरी थी, कोट्टायम. तो कोट्टायम पहुंचने तक ट्रेन कितना किलोमीटर चल पाई थी, 2,418 किलोमीटर. ओके, दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन. तो वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइम टेबल. होप यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए. फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.